अभी हम लोग यही है अपना गाड़ी जिसको लेके हम निकल चुके हैं बाकी पलटन लोग के साथ। सो गाइस ये जो है ये है अपनी गाड़ी, तो गाड़ी एकदम ठीक ठाक कंडीशन में है, सब कुछ अच्छा है। आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ सब कुछ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। Hey, hello, welcome back to the channel, guys. This is Humir and you guys are watching Mishes Vlogs. तो ड्यूक जो है वो सेल हो गया था, तो बहुत पहले ही वीडियो दिया था, उसके बाद सेल भी हो गया था। मतलब वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन फिर भी मतलब वीडियो देने के कुछ दिन बाद ही, वीडियो जो शूट किया उसके कुछ दिन बाद ही ड्यूक जो सेल हो गया था। उसके बाद जो है मैंने एक कार लिया था सेकेंड हैंड, ह्यूंडई ईऑन। तो अभी कुछ दिन वही सीख रहा था, उसके वजह से जो लास्ट वाला वीडियो है वो डालने में टाइम लगा था। अभी लगभग चलाना सीख लिया है, अभी जो है लर्नर भी है मेरे पास, लर्निंग मतलब लर्नर लेके मैं सीख रहा था, और भी लाइसेंस हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं आया, एक महीना रुकना पड़ता है लर्नर के बाद। तो लास्ट वीक जो है फिर भी हम लोग घूम वगैरह के आए थे, लेकिन उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ सीधे नीचे। 2000 years later. So guys, अभी हम लोग यही है अपना गाड़ी जिसको लेके हम निकल चुके हैं बाकी पलटन लोग के साथ। दिखा दो कौन कौन आया है। लास्ट वीक भी जैसे कि बोला था कि हम लोग निकले थे, लेकिन उस दिन क्या है कि व्लॉग नहीं बनाया था, और उस दिन सुरजीत नहीं आया था, मैं रोहित और कार्तिक आए थे, लेकिन आज हम लोग पांच लोग आए हैं। तो बस वही जा रहे हैं, अभी हम लोग मेन रोड में नहीं चला रहे, ये जो जगह होता है ये खाली रहता है, इसलिए इसी तरफ आए हैं, क्योंकि अभी अपने पास लाइसेंस नहीं है, लर्नर है, तो बस इसीलिए। पहले जो है पहले कुछ दिन मैंने बस सुबह सुबह ही चलाया था, ज़्यादा ये मैं नहीं चलाया था, क्योंकि पहले मेरे को मतलब हैंडलिंग बिल्कुल भी नहीं आता था। तो उसके बाद जब आ गया, अभी इस टाइप के सिचुएशंस में चलाऊंगा तभी सीख पाऊंगा, तो बस यही है कहानी। अभी जो अपना आगे का डेस्टिनेशन है वो आपको दिखाता हूँ। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं धाड़ापुड़ में, हम लोग जो है इसी जगह में आते हैं क्योंकि ये जगह खाली रहता है, शांत रहता है, यहाँ पे नदी के सामने आप लोग रुक के आराम से चिल कर सकते हैं, बढ़िया जगह है। बस यहाँ पे जो ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक्स के रास्ते स्मूथ नहीं होते, नॉर्मल जो रास्ते होते हैं वो स्मूथ होते हैं, यही प्रॉब्लम है। लेकिन हम जो जिस जगह में हम जाके रुकते हैं उस जगह तक जब तक पहुंचेंगे तब तक स्मूथ मिल जाएगा रास्ता। अपना जो मेन रास्ता है, जो सबसे शांतिपूर्वक रास्ता है, उस पर हम लोग आके पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग चिल भी कर रहे हैं, हम भी अभी आगे जाके एक जगह में रुकेंगे। ये पहुंच गए। आप लोगों ने मेरा जितना मतलब मैक्सिमम वीडियोस जो मतलब कुछ भी शूट करना, अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू वगैरह, वो यही पे आके शूट करता हूँ, अच्छा लगता है यहाँ पे आके शूट करने पे, यही है। सो गाइस ये जो है ये है अपनी गाड़ी, तो गाड़ी एकदम ठीक ठाक कंडीशन में है, सब कुछ अच्छा है। आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ सब कुछ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये है मीटर, चला है 32,626, अब फ्यूल अभी कम है, जब मैंने लिया था मतलब दो हफ्ते तभी 1,000 rupees का भरा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा चलना वगैरह हुआ, घूमा। और अभी जो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये देखिए, ये जो है ये डीलाइट एडिशन है, इसमें ये सब नहीं आता लेकिन लगा हुआ है, लेकिन इसका जो ये काम करता है ऐसे जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं आवाज़, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है ये ख़राब है, ये मेरे को चेंज करना है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम, मतलब गाड़ी जो है इंजन वाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम है क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी है वो हो गई। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये पीछे वाला जो चारों विंडो है, इनमें एक्स्ट्रा करके पावर विंडो लगाया गया है, क्योंकि डीलाइट प्लस एडिशन में नॉर्मल वो जो घुमा के आईने वगैरह खोलते हैं मिरर वही आते हैं, लेकिन इसमें लगाया गया है, जिसके आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। तो ये जो फ्रंट है यही से चारों विंडो कंट्रोल हो जाते हैं, बस ये वाला विंडो जो ये भी खुल जाता है, लेकिन ये थोड़ा जाम है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। एक बार खुल गया तो इसको लगाने में थोड़ा मतलब 12 बज जाता है, बाकी गाड़ी सही है। अभी जो है बाहर से एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ गाड़ी कैसा लगता है, निकल जाता हूँ पहले।
तो ये आ गए हम, तो ये है गाड़ी। और बस साइड सो ये है गाड़ी फ्रंट से, थोड़े वगैरह स्क्रैचेस है जो उन्होंने मेरे को बता दिया था। और हाँ, और एक इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसको मेरे को रिपेयर करना है। और गाड़ी जो है बहुत गंदा पड़ा हुआ है, जब मैंने लिया था तब साफ सुथरा रहता, लेकिन मेरे घर के बाहर रखा था तो मतलब कवर भी ऑर्डर किया था तब तक आया नहीं था, तो बारिश वगैरह सब कुछ में भीग के थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। और अभी पीछे से भी दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पे एल लगाया हुआ है क्योंकि मैं अभी लर्नर हूँ, मतलब सीख चुका हूँ, अभी मतलब पार्किंग वगैरह का थोड़ा प्रैक्टिस करना है, उसके बाद जाऊँगा अपना टेस्ट देने, मतलब एक महीने में हो जाएगा मेरा लाइसेंस का काम भी। तो ये है, सो ये था छोटा सा व्लॉग गाइज, आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कम बी यंग एंड ऑलवेज राइड सेफ, गुड बाय।